और उसके बाद ऐसे टटोलते हैं, ऐसे मोबाइल टटोलते हैं, मोबाइल है नानतना का खाना ला होस ना, पढ़ाई होस ना, घर आएगी अब मैं मम्मी पापा हाँ बात करूँ, आ हम स्कूल में पूजा पढ़ो उस ना के मतलब ना मोबाइल 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 चाहिए बस। शुभ दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पूजा उत्तराखंडी डेली ब्लॉग्स में। तो दोस्तों करते हैं ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग, और ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग करने से पहले सबको मेरा प्यार मेरा पहला। तो दोस्तों आज दो दिन के गैपिंग के बाद मैं आज अपनी ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ, एक नए दिन के साथ एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर से अपनी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। और मैंने दो दिन तक ब्लॉगिंग नहीं करी क्योंकि बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी, कभी टेस्ट कराओ कभी रिपोर्ट दिखाने जाओ, उसी भागा दौड़ी में मैंने ब्लॉगिंग नहीं करी। तो मैं आज फिर से अपनी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो दो दिन के लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ कि मैंने दो दिन तक ब्लॉगिंग नहीं करी। और आज का मौसम हो रहा है बहुत ही तगड़ा वाला, धूप इतनी तेज़ धूप हो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ आज का मौसम। तो पहाड़ों में पूरी धूप खिली हुई है और आसमान में अभी भी बादल लगे हुए हैं। रोज की तरह आज बहुत टाइम बाद दिनचर्या फिर से अपने रेगुलर टाइम पे आ चुकी है। और आज दक्षु गया है कितने शुक्रवार को गया था, शनिवार इतवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति, तो आज छः दिन पाँच दिन बाद वो आज स्कूल गया है दक्षु। तो आज ठीक है, थोड़ा उसकी रिपोर्ट कल आई थी, मैं आपको बताती हूँ उसकी रिपोर्ट में क्या आया था। उसकी रिपोर्ट में आया था उसकी थोड़ा TLC डाउन हो रही थी, तो डॉक्टर ने बोला लिक्विड चीज़ें ज़्यादा पिलाओ और खाना वाना पर ध्यान दो, ठीक हो जाएगा, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। तो हम लोगों ने वही करा, खाने पीने में ध्यान दिया, दाल हाल पिलाई उसको, दलिया वलिया वही खिलाया, फाइनली वो गया है स्कूल पाँच दिन बाद। देखो मेरे कल यहाँ पर चोट लग गई, तो ये चोट रावण जी ने नहीं मारा है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो रावण जी ने नहीं मारा है, ये चोट अपने आप लगी है। मैं रिपोर्ट दिखाने जा रही थी तो मुझे हेलमेट नहीं मिल रहा था, हेलमेट के चक्कर में, हेलमेट था डाइनिंग टेबल के नीचे, तो मैंने डाइनिंग टेबल के नीचे से हेलमेट निकालने लगी, तो हेलमेट के डाइनिंग टेबल के कोने से मेरे यहाँ पे कट गया, ये हल्का सा थोड़ा सा कट चुका है। उस टाइम पे तो मुझे दर्द नहीं हुआ, मुझे पता चला क्योंकि जल्दबाजी हो रही थी। जब मैं वहाँ से रिपोर्ट दिखा के वापस आई तो दक्षु बोला था मम्मा तुम्हारे खून निकल रहा है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे देखा, मैंने कहा अरे यार यहाँ पे तो लगे यहीं पर लगी होगी। आज है आंगनबाड़ी में टीकाकरण, तो जैसे स्कूलों में सबके स्कूलों में लग रहे थे बुखार के इंजेक्शन, वैसे आंगनबाड़ी में भी लग रहे, तो आज काबू को भी लगाना है। तो चलते हैं और देखते हैं काबू का क्या क्या हाल होता है आंगनबाड़ी में। तो पहले नाश्ता कर लेते हैं और फिर चलते हैं आंगनबाड़ी। पहले काबू दवाई पिएगी, पहले काबू दवाई पिएगी ना, तो वैसे पहले इसको पिला लेती हूँ दवाई। ये है विटामिन की दवाई जो दक्षु और काबी दोनों को पिलानी है, और ये है खांसी की, और ये जो प्लेट्स डाउन हो रही है उसकी दवाई दे रखी है। तो मैं इसको और इसको पिलाती हूँ काबी दक्षु काबी को, ये है दक्षु की दवाई, इसको रख देती हूँ साइड में। तो गाइस मैंने लगा दिया अपना नाश्ता, रोटी भिंडी की सब्जी दही और यहाँ पे है लहसुन का नमक। हम लोग जा रहे हैं आंगनबाड़ी नाश्ता करने के बाद, और काबू को लगा के लाते हैं इंजेक्शन, और काबू क्या क्या हाल होने वाला है वहाँ आंगनबाड़ी जाके ही पता चलेगा। काबू कहाँ जा रही? आंगनबाड़ी। हम कहाँ आए हैं? आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी में। हाँ गाइस हमने लगा दिया काबू को इंजेक्शन, काबू रोया भी नहीं, कुछ नहीं हुआ ना बाबू, कुछ नहीं हुआ, वो तो लगता ही रहता है ना। तो काबू बिल्कुल थोड़ी सी रोई उसके बाद नहीं रोई, और अब हम जा रहे हैं सीधा घर, मिलते हैं सीधा घर जाके। हम लोग आ चुके हैं घर और अभी बनाते हैं खाना, बज चुके हैं 11:30 नहीं 12:15 हो चुके हैं, तो अभी हम करते खाने की खाना बनाने की स्टार्टिंग। तो मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, क्या निकाला तू यहाँ से? काबू को देखो, काबू क्या निकाल रही बैठ के नीचे से, काबू निकाल रही है इसके नीचे से। तो क्या काबू को रोज पता है दादा उसके इसके नीचे नमकीन छुपा के रखते हैं, इतनी चोर है इतनी चालाक है इसको, इसके दादा इसके लिए रोज शाम को नमकीन लाते हैं, कभी आलू भुजिया कभी कुछ, आ जाओ फिर जाओ सबको देना, रोज आते हैं, नहीं चुला रहा हूँ बल मैं। तो ये बेचारी ने आज वाली नमकीन निकाल दी और दादा शाम को अपनी नमकीन ढूंढेंगे। मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में और बनाते हैं खाना, आज बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्जी और भात के टमाटर, तो और यहाँ पे मैंने चावल बीन दिए हैं, तो बनाते हैं खाना।
तो गाइज मेरे यहाँ पे आलू टमाटर की सब्जी बन चुकी है और यहाँ पे मैंने चढ़ाया है भात। तो मेरा खाना बन चुका है। तो गाइज मैं जा रही हूँ दक्षु को लेने और दक्षु को लेके आती हूँ। गाइज दक्षु आ चुका है स्कूल से और ये देखो दोनों बच्चे फोन लेने के लिए कैसे बैठे हैं। क्या चाहिए? हाँ, फोन। क्या चाहिए? पढ़ाई। अभी फोन बोल रहा था ये, आप क्या कहने लग गया? पढ़ाई। और गाइस मम्मी मुझे आईफोन 30 प्रो मैक्स नीति ला लिया है। तो गाइस इसकी मम्मी के पास इतने पैसे नहीं है कि इसको आईफोन 30 प्रो मैक्स दिलाए। कोई स्कूल से आके ऐसे मोबाइल देखता है क्या? तो गाइस कमेंट में जरूर बताएं। क्या है इसमें? घी, रोटी और चीनी। वाह। हेलो दोस्तों, शुभ दोपहरी। तो दोपहर की धूप खिलखिलाती हुई तेज मुंह में लग रही है और इसी के साथ हम लोगों का हो चुका है खाना रोज की तरह। और अब थोड़ी देर करते हैं रेस्ट दोस्तों और मिलते हैं सीधा शाम को चाय के टाइम पे। कितने प्यारे लग रहे हैं आसमान में देखो। शाम के 4 बज चुके हैं और मौसम होने लग गया है ख़राब। तो हम लोग उठ चुके हैं रेस्ट करके थोड़ी देर और अभी बनाती हूँ चाय। तो चलते हैं अंदर और बनाते हैं सीधा चाय। तो मेरी रेडी हो चुकी है चाय। जिस जिसको चाय पीनी है वो आ जाइए। तो क्या बारिश का मौसम हो चुका है, बारिश आने लग गई है और मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ घास काटने। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो क्या बारिश हो रही है बाहर तेज और हम सब लोग बीत चुके हैं। हम लोग काट काटने गए थे मैं और मम्मी, हम भीग गए हैं और वो गई थी अर्दला पिसाने के लिए दीदी, वो भी भीगते भीगते आ रही है। मम्मी देखो वहाँ नाली में आके सफाई कर रही है। सुबह से ड्यूटी, पापा अभी भीगते भीगते आ रहे बेचारे, वो भी सुबह से 10 बजे से ड्यूटी गए थे, अभी भीगते भीगते आ रहे हैं। और पीछे आग जला रही, मैं आपको दिखाती हूँ। ये गाना नहीं हो क्या है वो? अच्छा चल रहा यार, छोड़ दो ना बहुत जो राती बटी टल्ले है गई। नहीं वीडियो देखी ना दिन में, ग्रुप में भेजी थी किसी ने, तो उसमें एक बुढ़िया बड़ी अच्छी एक्टिंग करती है बच्चों की, कहती है मम्मी बड़े प्यार से बच्चों को स्कूल से लेके आती है और उसके बाद घर आके कहती है बेटा कपड़े वपड़े खोलो, तो बच्चे ऐसे करते हैं, एक मोजा खोते शर्ट, दूसरा मोजा खोते शर्ट से और शर्ट के बटन खोले, शर्ट उतारी फेंका और पैंट उतारी यू 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 घुमाया और उसके बाद ऐसे टटोलते हैं, ऐसे मोबाइल टटोलते हैं। मोबाइल है लांचना का खड़ा ला होश ना, पढ़ाई होश ना, घर हैगी अब मम्मी पापा हाँ बात करो, आ हम स्कूल में पूछ पढ़ो उस ना के मतलब ना, मोबाइल 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 चाहिए बस, ऐसा बोल रही हो। बड़ी अच्छी लगी मुझे उसकी वीडियो, आग चलाने में लगी है पर जल नहीं रही है, पर जल नहीं रही है आज उसकी पूरी खत्म, फूक मारो ना। तो कई बच्चे हमारे भी ऐसे करते हैं, स्कूल से घर आते हैं उसके बाद मोबाइल 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 ही हुई और हम लोग भीग चुके हैं बहुत ज़्यादा, सब लोग भीग चुके हैं। हमने जलाई सगड़ में आग और सगड़ में आग जल नहीं रही है हवा के कारण, तो देखते हैं जब तक जलती तब तक अर्दला पकाते हैं इसमें। और बारिश बहुत तेज हो गई, गूल में पानी, इतना तेज पानी आ रहा है गूल में, छोटी गोला आ रही है हमारे वहाँ। तू पानी लगा बीच में, तू आज पता काबू ट्यूशन में पढ़ाई करके आई दादा के साथ ना बाबू? कहाँ है दादी? वो मम्मी वहाँ सफाई करने में लगी है, मम्मी तो सफाई 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 वाली है, वहाँ मम्मी सफाई करने लग गई। ये देखो दोस्तों गूल में गंदा पानी आता है सबका। नगर पालिका के कर्मचारी आए हैं, दो बड़े कर्मचारी वो छोटी, हम कर रहे हैं नाली की सफाई। देखो हमारे घर के आगे से सारा बूझा लगा हुआ है, ये अभी बच्चे आएंगे सब फिसलेंगे, देखो फिसलेंगे वाला हो गया। तो गाइस बच्चों के शाम के 6:30 और मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में और बनाती हूँ आज सब्जी रोटी। और अभी आज हम बना रहे हैं अंडा करी, तो आज अंडा करी की सब्जी बन रही है तो अंडे बॉईल करने रखती हूँ। तो गाइस हम लोग का बन चुका है खाना किचन में और ये देख रही है हिनू ब्लॉग्स, हिनू ब्लॉग्स देख रही है ये
और इसमें भैया ने बनाई है अंडा करी। आज अंडा करी भैया ने बनाई है क्योंकि हम बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो भैया ने बोला मैं बनाता हूँ। और यहाँ पे रोटी बन चुकी है हमारी, नमक, और ये है गाइस अलसी का नमक। तो आज अलसी का नमक बनाया गया है। तो मेरे भतीजे ने भी एक सब्सक्राइबर बढ़ाया है, पूछती हूँ कौन से बढ़ाया? कृष्णा से बढ़ाया। कौन कृष्णा? हाँ वो है ना दोस्त है, उससे बढ़ाया। क्या बोला तुमने उससे? कहा कि मेरे साथी का व्लॉग देखना, लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना। और कितना से बढ़ाया? पूजा उत्तराखंडी से। अरे मेरा बाप, कृष्णा मेरा दोस्त है। तो बच्चे भी सपोर्ट कर रहे हैं और बच्चे भी अपने दोस्तों से बोल रहे हैं कि मेरी चाची के चैनल को सब्सक्राइब करना करके। ये रियल की लड़ाई नहीं हो रही दोस्तों, ये इनकी ऐसी होती रहती है हर समय। ये इनकी लड़ाई को ज्यादा सीरियस मत लीजिएगा, इनके 24 घंटे ऐसी लड़ाई होती रहती है, नॉर्मल हो गई, हमारे लिए तो नॉर्मल हो चुकी है लड़ाई। ये रोज ऐसी लड़ते, सुबह दिन शाम ऐसी लड़ते रहते हैं, अभी भी ऐसी लड़ रहे हैं ये। तो इनकी लड़ाई को ज्यादा सीरियस मत लीजिएगा। तो चलिए हम लोग खा लेते हैं खाना और मिलते हैं सीधा खाना खाने के बाद। गाइस हम लोग आ चुके हैं खाना खा के ऊपर और टाइम हो चुका है 11:15 बज चुके हैं, बच्चे सो गए हैं और हम लोग भी सोते हैं। अभी पहले करते हैं वीडियो की एडिटिंग और उसके बाद फिर सोते हैं हम लोग, मैं और रावत जी। और दोस्तों कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।